Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about one of my good student who got selected at ICER Trivandrum in PhD program. His name is Bijay Kumar Sharma. वो last year हमारे पास आए थे और उनकी मेहनत से आज उन्हें ICER Trivandrum में PhD में मौका मिला है. उनका background बताना ज़रूरी है. वो बिहार से आते हैं. बिहार में भी एक भागलपुर ज़िला है जहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है और BSc से वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट थे MSc में भी. बट मैथमेटिक्स में उनका उस टाइप का पकड़ नहीं था जो होना चाहिए था, ये उनको भी पता था. तो वो मेरे पास आए थे और एक बहुत ही उनका एक मैसेज था जो उन्होंने लिखा था हमें यहाँ आने के पहले, तो वो बहुत ही इमोशनल था. मैं उस पर डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट सब कुछ अपने इकोनॉमिक कंडीशन का उन्होंने जिक्र किया था, एवरीथिंग एंड सो फोर्थ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. ही वॉज सो मच ऑनेस्ट एंड उनको पढ़ाया गया, मेहनत किया गया और वो आज ICER में PhD के लिए उनको कल मौका मिला. ही वॉज सो मच हैप्पी कि मीन्स ही कैन नॉट बिलीव हिमसेल्फ कि उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो गया. उनका मैसेज था, व्हाट्सएप पे आया मुझे एंड ही टोल्ड कि सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरा वहाँ सिलेक्शन हो रहा है. उनके लिए ICER Trivandrum बहुत बड़ी बात है. यू नो, एक छोटे जगह से आदमी आता है मैथ को लेके, जहाँ पे कोई मैथ का माहौल नहीं है. कोई बोला जाता है ना कि ठीक है, एक अच्छे जगह पे हो, एक अच्छे स्टूडेंट आपके पास है, उनको अच्छे जगह पहुँचाना बहुत ही कठिन काम नहीं है. बट एक ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, बस ठीक है मार्क्स उसके अच्छा आ रहा है, बट आपको भी पता है कि आज के टाइम पे मार्क्स कैसे आते हैं इन जनरली. तो वो सारे आधार को रखते हुए हमने देखा कि ये लड़के में पैशनट है. कभी कभी बहुत डांट सुना है मेरे से, बहुत जब मेहनत में कोई कंजूसी करता था, बट एक चीज़ थी इसके अंदर कि रेगुलर था. ही वॉज मेंटेन हिज रेगुलरिटी और मैथमेटिक्स. और यहाँ पे भी उसको रहने के लिए मतलब हेयर एंड देयर उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा थे, मैं क्या बोलूँ. और कुछ मतलब इतने तकलीफ होने के बावजूद आज उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है. सो मैं भी बहुत खुश हूँ ऐसे बच्चों के लिए जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं और एक उम्मीद से ज्वाइन करते हैं और अच्छे जगह पहुँचते हैं. वी फील सो मच हैप्पी फॉर देम. ठीक है, तो यहाँ से यही मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप ऐसे जगह से आते हो जहाँ मैथमेटिक्स नहीं होता हो. हम लोगों ने भी ऐसे जगह से पढ़ाई की है जहाँ पे मैथ्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं है इन टर्म्स ऑफ हायर एडुकेशन. लेकिन अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर मेहनत करने का लगन है, आपको लगता है कि आप अच्छे जगह पहुँच सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे जगह जाना चाहिए और गणित में अच्छा काम करना चाहिए. ओके, तो ये इकोनॉमिक कंडीशंस और ये टेम्प्रोरी जगह मायने नहीं रखते. दिस स्टूडेंट हैज़ प्रूव्ड दैट. तो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर हिम. इन फैक्ट ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम दैट बैच. जिस बैच को मैंने पढ़ाया था पिछले साल जुलाई सेशन में, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ, भले इसका कॉन्सेप्ट वीक था, ही वॉज नॉट एबल टू थिंक क्विकली, बट इसके अंदर एक था कि मेहनती था. ही यूज़ टू सिट डाउन एंड डू द मैथमेटिक्स हेयर एंड देयर. बहुत स्ट्रगल किया इस लड़के ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ऐसे स्टूडेंट अगर अच्छे जगह सेलेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा लगा. आई एम सो मच हैप्पी फॉर हिम एंड ऑल सारे स्टूडेंट जो उस टाइप के बैकग्राउंड से आते हैं, निराश मत होइए, मेहनत करते रहिए. हमारी साइड से जो भी हो पाएगा, आई विल ट्राई फॉर माई साइड. ओके, टिल देन एंजॉय मैथमेटिक्स. ओके, so thank you so much, best of luck, bye.